हो रहा है क्या? क्या है यार ये? अरे क्या कर रहे हो भाई, केला खा रहे हो फेंक रहे हो रोड पर? मतलब अभी लग गया ना फेस पे सुबह सुबह यार। नहीं ये गलत बात है, जैसे कि देखा अभी अभी ये केला भाई ने खा करके मेरे फेस पे फेंका, और ये केला ऐसे अगर फेंका हुआ है तो वैसे अगर हम लोग चलेंगे तो कहा जाता है कि पैर पर या फिर कुछ भी वैसा हो तो स्लिप होने का चांस रहता है, जैसा कि अभी हुआ, ठीक है ना। तो गाइस आज जो है हम लोग इन्हीं केले के छिलका से बहुत ही अलग टाइप का वीडियो बनाने वाले हैं, और जो चीज़ कहावत में कहा जाता है और जो चीज़ सुनने में आता है कि केले के छिलके खा करके रोड पे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, बहुत सारा व्हीकल्स गाड़ी गाड़ी आती रहती है, स्लिप करने का चांस होता है, तो वही आज की वीडियो में दिखाना। तो हमारे पास देख सकते हैं टोटल इतना सारा केला है, और देख सकते गाइस केला एकदम डैमेज हो चुका है क्योंकि गाइस हमने इन्हें कल ही लाया था। तो गाइस टोटल केले का जो छिलका है यहाँ पर सिंपली हमको बिछाना है, फिर उसके बाद बाइक को इस बाइक को इस केले के छिलके के ऊपर चलाना है। तो गाइस क्या सच में गाड़ी चलेगी या फिर स्लिप होगी, क्या होगी, क्या मूवमेंट होने वाली है, वो आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इतना सारा केला, हम अपने जिंदगी में इतना सारा केला तो खाने के नहीं लाए होंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए जरूर लाए हैं। और इस टोटल केला में एक ही ऐसा केला मिला जो कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल केला है। तो गाइस चलिए इन सारे केले के छिलके को छिलते हैं। तो गाइस बहुत टाइम के बाद देख सकते हैं मैंने बिछा दिया, देख रहे हैं पूरी तरह से बिछा दिया है। अब बारी है गाड़ी को चलाने की, चलो गाड़ी को चलाते हैं 120 के स्पीड में। 120 के स्पीड में भाई, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं गाइस, चलो चलो चलो, बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो गाइस बाइक हो गया स्टार्ट, जैसा कि देखा अभी हम लोग जो है नॉर्मल स्पीड था गाड़ी का और आसानी से निकल गए, अब हम लोग थोड़ा इससे भी ज्यादा स्पीड में आएंगे। इस बार भी कुछ नहीं हुआ, जैसे कि आपने देखा हमारा गाड़ा कम से कम 50 से प्लस ही था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग एक बहुत ही खतरनाक सा स्टेप करने वाले हैं, अब डायरेक्ट आकर के हम लोग यहाँ पे ब्रेक को मारने वाले हैं, देखते हैं क्या होगा। कि आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट, पहले मैं चाबी को बंद कर लेता हूँ, ठीक है ना, गाड़ी को बंद कर लेता हूँ, इनको पहले खड़ा ही कर देता हूँ। ओ गाइस, ओ भाई अभी भी स्लिप हो रहा है, देख रहे हैं। ओ भाई साहब, जैसा कि आपने देखा गाइस मैंने थर्ड वाला जो स्टेप को जो अप्लाई किया फंडा को, मैंने जैसे ही ब्रेक को यहाँ दबाया तैसे ही गाड़ी एकदम से पूरा टर्न। इससे क्या पता लगा गाइस कि चाहे अभी देखिए यहाँ पे कम क्वांटिटी में नहीं था ये केले का छिलका, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में था। और अगर हम लोग नॉर्मली अगर बाइक चलाते हैं कितना भी स्पीड में कुछ भी कैसा भी, तो स्लिप मतलब कि 90% चांस है कि स्लिप नहीं होने का, ठीक है ना। लेकिन गाइस अगर जैसा ही हम लोग उस जगह पर एग्जैक्ट जगह पर ब्रेक को दबाते हैं तो यार 100% चांस है स्लिप होने का। तो गाइस जैसा कि आपने देखा इसके अभी केले के छिलके पर जो हमारे गाड़ी जो स्लिप हुआ,
बहुत यार डेंजरस था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना गाइस। एक चीज और आप लोग को आइडिया इस चीज से लग गया होगा कि कहीं भी अगर केले का छिलका उलका देखे तो ब्रेक नहीं मारना है, ब्रेक सिंपली उनके ऊपर गाड़ी से निकाल देना, क्योंकि ब्रेक मारोगे तो गाइस गिरोगे। तो गाइस यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रिस्की था गाइस, मानो कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए एक ऐसा खतरनाक सा वीडियो सामने लेकर के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।